हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण पे बेस्ड है। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो सूक्ष्म शिक्षण के से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? तो देखिए, अलग अलग आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो वास्तविक शिक्षण है भी और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास अमेरिका में 1961 में हो गया था। ठीक है, और अगर जैसे क्वेश्चन में आपका ये पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो एलन ने 1963 में किया था। ठीक है, और अगर ऐसे नॉर्मली पूछता है, अगर ऑप्शन में 1963 रहता था तो आपको यही वाला आंसर टिक करना है, बट यहाँ पे ऑप्शन में 1963 नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास हुआ था वो 1961 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और एलन ने कब किया था? एलन ने किया था 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? ठीक है, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक DW एलन और कीथ एचिसन। ठीक है, DW एलन एवं कीथ एचिसन को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके ये वाले जो ये क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो एलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी आपको पहले बताया मैंने कि 1963 में इसका विकास कौन किया है? एलन ने किया है। ठीक है, देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न कथन किससे संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। देखिए, ये कथन दिया हुआ है किसी के द्वारा। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ठीक है, ये आपके, ये देखिए, यहाँ पर ये सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये, ठीक है, ये कथन किसका है? एलन का है। एलन ने क्या कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में जितने भी आपके जो भी टीचिंग फैसिलिटीज है उसको छोटे छोटे भाग में बांट देता है। ठीक है, ये किसने कहा था? आपका एलन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? NCERT, देखिए क्या है कि NCERT जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि सूक्ष्म पाठ की जो समय अवधि है उसमें सामान्य शिक्षण की तुलना में पाठ की समय को, ठीक है, जो पाठ है उसके समय को कम कर दिया जाता है। सूक्ष्म पाठ की समय अवधि को 5 से 7 मिनट तक उसकी अवधि होती है। ठीक है, सूक्ष्म पाठ की, बट शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण द्वारा यानी NCERT द्वारा विकसित किए गए भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण की जो समय अवधि कितनी रखी गई है? 6 मिनट रखी गई है। ठीक है, और जो टोटल आपकी जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि यानी टोटल जो अवधि है वो कितनी है? 36 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? देखिए, ये आपको पहले से पता होगा, ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसका विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया? सेम आपको बता दिया है पहले ही आंसर, 1963।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आप बताओ कितनी होनी चाहिए? एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्लिफ्ट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा। 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं? देखिए, कौन कौन से पद हैं, जैसे जो आपके इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला स्टेप्स आपका, देखिए विशिष्ट, फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, सेकंड ऑप्शन है पुनः मूल्यांकन करना, तीसरा है सूक्ष्म पाठ तैयार करना, ठीक है। देखिए, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। ये तीनों ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। रूपरेखा पहले तैयार की जाती है, ठीक है, फिर मूल्यांकन, फिर सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की कितनी अवधि निर्धारित की गई है? ठीक है, अवधि कितनी है सूक्ष्म शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि पूछा है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में टोटल जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 36 मिनट की, और जो सूक्ष्म पाठ है इसकी 6 मिनट की, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 10 मिनट, 6 मिनट, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या है? देखिए, इनका सही क्रम पूछा है, ठीक है, जो स्टेप्स हैं सूक्ष्म शिक्षण के। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, योजना बनाते हैं, फिर आपकी टीचिंग करते हैं, उसके बाद से उसको उसकी पुष्टि करते हैं, ठीक है। ये देखिए, तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद से पुष्टि करने के बाद, उसकी प्रतिपुष्टि करने के बाद, मतलब चेकिंग कर लेते हैं कि सही है, कि मतलब सही है आपका या गलत है। अगर गलत होता तो फिर से पाठ योजना बनाते हैं, और फिर टीचिंग करते हैं, और फिर प्रतिपुष्टि करते हैं। मतलब ये प्रक्रिया आपकी, ये वाली जो प्रक्रिया है वो यही चलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं? देखिए, कौन कौन से गुण हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। जी बिल्कुल, इसमें क्या करते हैं, शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है, सही है। यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है, हाँ, ठीक है। यह मुख्य भूमिका छात्राध्यापक की होती है, जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मुख्य भूमिका किसकी होती है, टीचर्स की होती है। और ये ईजी प्रशिक्षण, यानी ईजी जो टीचिंग पैटर्न है उसको फॉलो करता है, और जो टीचिंग बिहेवियर है, जो शिक्षण का बिहेवियर है, ठीक है, वो इसमें प्रमुख स्थान इसको दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है? देखिए, कौन कौन सी उपयोगिता नहीं है इसमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक परिपक्वता अर्जित करना, सेकेंड ऑप्शन है सूक्ष्म निरीक्षण प्रशिक्षण का सतत साधन है, थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण एक स्व मूल्यांकन प्रक्रिया है, ठीक है, और चौथा है सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए, व्यावसायिक परिपक्वता अर्जित करना, ठीक है। देखिए, ये पॉइंट सही है, सूक्ष्म निरीक्षण प्रशिक्षण का सतत साधन है, ठीक है। देखिए, प्रशिक्षण का सतत साधन है, बिल्कुल है। सूक्ष्म शिक्षण एक स्व मूल्यांकन प्रक्रिया है, बिल्कुल। और ये देखिए, स्व मूल्यांकन का मतलब खुद से आप अपनी चीज़ों का इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया, आप इवेलुएशन का मतलब होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये आप खुद से इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण परिवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है। बिल्कुल ये करती है, ठीक है, आयोजन करती है। यहाँ पे नहीं वर्ड दिया है तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीबी के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।